हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉकिंग मैथ स्किल्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नेट दिसंबर 2017 का और क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर पीडीई 8R माइनस 2S माइनस 3T इज इक्वल टू जीरो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट टू ऑप्शन हमें दे रखा है इस पीडीई के नेचर के बारे में। फर्स्ट है इलिप्टिक और सेकंड पूछ रखा हाइपरबोलिक है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दे रखे हैं इसके जनरल सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले अगर हम बात करें तो देखिए इस पीडी को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए सेकंड ऑर्डर पीडी है, तो देखिए इसके अगर हम देखें जनरल फॉर्म, क्योंकि हम जब नेचर चेक करना है तो देखिए हमें ये चेक करना होता है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू इक्वल्स टू जीरो। ये देखिए जनरल फॉर्म है। ठीक है, हमें यहाँ से ये कैपिटल आर कैपिटल एस और कैपिटल टी फाइंड आउट करने होते हैं, जो होते हैं मल्टीपल्स आर एस और टी के। आर का मतलब है टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी का मतलब है टू टाइम्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एस का मतलब है टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई डेरिवेटिव। तो देखिए आर हमें कितना पता लग गया, आर हमें दे रखा है 8, एस कितना है देखिए एस है माइनस 2 और टी है देखिए कितना माइनस 3। तो देखिए फ्रेंड जब हम कैलकुलेट करेंगे देखिए एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू, ठीक है अगर देखिए ये वैल्यू आती है पॉजिटिव तो उसका नेचर होता है पीडी का हाइपरबोलिक, अगर आती है बराबर 0 तो आता है पैराबोलिक, और यदि आते लेस देन 0 तो नेचर होता है इसका इलिप्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब हम निकालते हैं एस स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, देखिए 4 माइनस देखिए ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस देखिए 4 इंटू 3 12 इंटू 8 कितना होगा फ्रेंड्स, ये 96 प्लस 400 वैल्यू देखिए ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब देखिए इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, इस मतलब पीडीई का नेचर कैसा है हाइपरबोलिक। तो देखिए ऑप्शन सेकंड हमारा क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट हो गया रॉन्ग। और देखिए फ्रेंड्स अब हम ऑप्शन थर्ड और फोर्थ से बात करें तो हमें देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, और देखिए पीडीई में जो निकाला जाता है जनरल सॉल्यूशन उसमें बात की जाती है आर्बिट्री फंक्शंस की, और ओडीई में हम बात करते हैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की। इसलिए देखिए हमें एफ और जी डिफाइन है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम आर्बिट्री ये जनरल सॉल्यूशन इसका। देखिए अगर हम इसको लिखें एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश ओवर जेड इक्वल्स टू जीरो, तो देखिए इसको क्या लिखा जाएगा 8D² माइनस 2DD- माइनस 3D- का स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए हमें एफ ऑफ डी डी डैश कितना मिल गया ये, इसमें देखिए आपको d को पुट करना होता है m और देखिए d डैश को पुट करना होता है 1। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए जो हमें रूट्स मिलेंगे, मानिए हमें दो रूट्स मिले m1, m2, तो देखिए जो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा z = वो आ जाएगा देखिए f ऑफ y प्लस m1x प्लस g ऑफ y प्लस m2x। तो हमें बेसिकली m1 m2 निकालने हैं जो कि m के दो रूट्स हैं। तो वैल्यू पुट करें देखिए अगर डी को एम, तो देखिए कितना हो जाएगा 8m² माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमें रूट निकालने हैं इसके m के, तो देखिए इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम 8m² माइनस ऑफ देखिए 6m प्लस देखिए 4m माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। देखिए फ्रेंड्स अगर कॉमन लेंगे हम यहाँ से 2m, तो देखिए मिल जाएगा 4m माइनस 3 प्लस 1 4m माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए हमें से m की वैल्यूज कितनी मिल जानी है, एक तो मिल जाएगी देखिए 3/4 और एक आ जाएगी ये माइनस ऑफ हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब जो जी एस लिखा जाएगा जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा देखिए z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई
प्लस थ्री बाय फोर एक्स प्लस जी ऑफ वाई माइनस एक्स बाय टू। तो देखिए ये आपका जी एस है, और अगर ऑप्शन पे ध्यान देंगे हम तो देखिए वाई माइनस एक्स बाई टू आना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आ रहा है, वाई प्लस थ्री बाई फोर एक्स आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन थ्री हमारा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन टू और थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।